बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद के इस स्पेशल मौका पर आज हम बनाएंगे मखनी कढ़ाई, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मखनी कढ़ाई के लिए जो चीजें मेरे रिक्वायर है वो ये है। 1.5 किलो हमने लिया है मटन, 2 हमने लिए है प्याज जिनको हमने चॉप कर लिया है, 2 हमें चाहिए टोमेटोज इनको भी हमने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर रेड कस चिली, सॉल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जीरा चाहिए 2 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी चाहिए 1 टीस्पून, दही चाहिए 1/2 कप, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए क्रीम, 4 से 5 हमने ली हैं ग्रीन चिलीज इनको हमने चॉप कर लिया है, मोटी वाली हमने यूज की हैं और जो मोटी वाली होती हैं वो इतनी तीखी नहीं होती, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, बटर चाहिए हमें, इसके अलावा हमें अदरक कटा हुआ चाहिए स्लाइस में, 1 लेमन चाहिए, कसूरी मेथी चाहिए। हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, साथ ही हम अपने ऑनियन ऐड कर देंगे चॉप किए हुए। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको कलर लाइट पिंक दे देंगे। हमारे ऑनियन के कलर लाइट पिंक हो गया है, आपने इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट पिंक कलर देना है। अब हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। टू से थ्री थ्री टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। जब हमारा मटन ग्रीन चिलीज में पकेगा जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने मोटी वाली यूज की है, आप भी मोटी वाली यूज करें, जो बारीक वाली थी बहुत थिकी। हमने अपने मटन को 4 से 5 मिनट्स इसी ग्रीन चीज़ में पक किया है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, चिलीज ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। 3 मिनट्स हमने इसको कुक कर लिया है, इन सब मसालों को मिक्स हो गए हैं वो। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे अपने चॉप किए हुए, साथ ही हम 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 25-30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। हमारा गोश्त परफेक्टली गल चुका है, बीच में हमने 2-3 दफा इसको चम्मच भी हिलाया है। अब हम इसमें अपनी योगर्ट ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह और 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी फुल ड्राई नहीं हो जाता। गोश्त हमारा परफेक्टली गल चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें अपना बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। साथ ही अब अपना गरम मसाला ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर देंगे और सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा गोश्त रेडी हो चुका है, अब हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। अदरक डाल देंगे, ग्रीन चिलीज। जी तो हमारी मखनी कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको खाकर आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार बहुत ही खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।